विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच आयात शुल्क कम होने की अफवाह से दिल्ली तेल तिलन बाजार में शुक्रवार को सोयाबीन, सूरजमुखी, सीपीओ और पामोलिन सहित विभिन्न तेल तिलनों के भाव में भारी तेजी आई है। मांग बढ़ने से मूंगफली में भी सुधार दर्ज हुआ, जबकि बाकी तेल तिलन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार सूत्रों ने कहा है कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने बृहस्पतिवार देर रात को वायदा कारोबार में सरसों के नए सौदों के कारोबार पर रोक लगा दी है। सूत्रों ने इस कदम की सराहना करते हुए सरकार से मांग की है कि अन्य तेल तिलनों के मामले में भी समान रवैया अपनाना चाहिए। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति बेशक होती हो पर आम उपभोक्ताओं को नुकसान है। इसका फायदा केवल विदेशी कंपनियों को मिलता है। सरकार को इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों पर अंकुश लगाने का इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को तेल तिलन के वैध कारोबार पर ही रोक लगाने के बारे में गौर करना चाहिए, जिससे कुछ सट्टेबाजी में लिप्त बड़ी कंपनियों द्वारा सिंडिकेट बनाकर बाजार में घटबढ़ करने पर रोक लग सकती है। मलेशिया एक्सचेंज में 2.4% और शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 1.5% की तेजी देखी गई थी। सूत्रों ने कहा है कि मांग होने से मूंगफली तेल तिलन और बिनौला तेल के भाव में भी सुधार रहा, जबकि शुल्क घटने की अफवाह के मद्देनजर मलेशिया एक्सचेंज के वायदा कारोबार में सीपीओ के अक्टूबर अनुबंध का भाव 5,152 रिंगिट पर बंद हुआ, जो सर्वकालिक उच्च स्तर है। मलेशिया एक्सचेंज की तेजी की वजह से यहां सीपीओ और पामोलिन के भाव भी पर्याप्त सुधार के साथ बंद हुए। सूत्रों ने कहा है कि दीपावली के बाद मंडियों पर सरसों की आवक घटकर 30,000 से 40,000 बोरी रह जाएगी, जबकि औसत आवक दैनिक मांग 3.5 से 4 लाख बोरी की है। सरसों की कमी की वजह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 60 से 90% पेराई मिले बंद हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।